हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है संडे का, मैंने धोया बाल। हालांकि संडे में बाल, हम लोग में बाल नहीं धोया जाता है, संडे के दिन नहीं धोया जाता है। बोला जाता है कि संडे के दिन भाई की बहन बाल नहीं धोती है। बहुत जगह धो भी लेते हैं पर मेरे यहाँ गाँव में नहीं धोते हैं, तो मैं भी कभी नहीं धोती हूँ। पर आज मुझे मजबूरी था, मुझे बाल धोना पड़ा, क्योंकि बीच में मैंने फ्राइडे के दिन तो अमावस्या था, आपको बताया था, इसलिए मैंने बाल धोया नहीं। फिर उसके बाद तबीयत भी मेरा 2 दिन ख़राब था, बुखार था। उसमें मतलब कि सब कोई डांटते हैं, फिर बाल धो लेती हूँ तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने बाल नहीं धोया। तो फिर बहुत दिन हो गया होता, कम से कम 8 दिन से ज़्यादा ही लगभग हो गया था। इतना दिन बाल बिना धोए रहना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मी का मौसम रहता, पसीना से बाल महकना भी शुरू हो जाता, फिर सिर में खुजली आना पूरा शुरू हो जाता है। तो मेरा तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब मुझे आज बाल धोना ही पड़ा, नहीं तो मैं मंडे को भी धो सकती थी, पर मेरा बर्दाश्त से बाहर हो गया इसलिए मुझे धोना पड़ा। इसमें भी मुझे डांट सुनना पड़ेगा, मैं जानती हूँ, पर मजबूरी था इसलिए मुझे धोना पड़ा, मैंने बता दिया है। और उसके बाद बाल धोने के तुरंत बाद मुझे बाल को सीधा करना ज़रूरी है, क्या कि अगर सूख गया मेरा बाल तो फिर मतलब कि ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाए, सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा बाल झड़ता है, मतलब कि उड़ जाता है पूरा बाल, इसीलिए मैंने पहले बाल को सीधा कर लिया है। हालांकि मेरा पूजा हो चुका है, पूजा मकर के आ चुकी हूँ आज, ये सॉरी संडे है, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ है, तो मेरा चेहरा से भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब काम जल्दी जल्दी होता है सुबह तो थोड़ा सा खुशी अपने आप में लगता है कि हाँ भाई काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो खुशी होता है। आई आई है पीयूष के पापा, पीयूष लग के अपने काम में लगे हुए हैं, मैं अपना कर रही हूँ। पूजा करके आने के बाद मैं अपना स्त्री से यहाँ का साफ़ सफाई करूँ, क्या कि संडे था तो थोड़ा सा लेट से ये लोग सोए हैं। लेट से नहीं, वैसे तो 7:30-8 बजे के बीच में उठते, तो आज भी उठ गए थे, पर मेरा काम जल्दी हुआ था तो मैंने पहले पूजा कर लिया। उसके बाद ये अपना पीयूष के पापा पूजा कर रहे हैं, पीयूष लग के नहा धो रहा है, वही सब सुबह वाला रूटीन चालू है। बाहर में हो अल्लाह लगा हुआ है, पर मैं अपना काम में लगी हुई हूँ। चाय मैं चढ़ा के आ गई हूँ पीयूष के पापा और मम्मी के लिए, क्या पीयूष के पापा का पूजा हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी 9 बजने वाले, आज दिन है संडे, तो वैसे देखा जाए तो बिजी भी खूब रहता है, पर यही है कि सुबह सुबह का काम तो मेरा हो चुका, उतना ज़्यादा हड़बड़ नहीं है, केवल यही खाना नाश्ता बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ क्या नाश्ता बनाऊँ, अब पीयूष लग किसी पूछूँगी तो इनका फरमाइश बड़ा बड़ा रहता है। यहाँ बैठ के टीवी देख रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। पीयूष लक्की बोलो, चावल का चावल बनेगा तो नहीं तो सामने बनता चिल्ला बेसन का सूजी का ठीक है। मेरी समस्या का हल निकल चुका है, पीयूष बोला है कि सूजी का चिल्ला बना दो, देखती हूँ चिल्ला बना देती हूँ, सबसे बढ़िया काम यही है, सब कोई खा भी लेंगे और मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा। हालांकि मैंने सूजी भिगोया नहीं, अभी जाऊँगी पहले सूजी भिगोऊँगी, उसके बाद सब्जी तो मैं ज़्यादा कुछ डालती हूँ, यही प्याज हरी मिर्ची मिर्च मसाला यही सब डालती हूँ, क्योंकि सब्जी पीयूष लग के जल्दी से कुछ डाल देती हूँ तो खाएगा भी नहीं। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है चलती हूँ, लगती हूँ अपने तैयारी में। मशीन लग गया ना तो फिर मशीन का काम यहाँ होते रहेगा, मैं अपना किचन का करते रहूँगी। तो थोड़ा वैसे देखा जाए तो जब वहाँ से कपड़े धोती तो मुझे कम टाइम लगता है, मशीन लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस दिन ज़्यादा कपड़ा रहता है, इसलिए मैं लगातार 3-4 दिन तक हाथ से धोती हूँ, उसके बाद 3-4 दिन बाद मशीन लगाती हूँ। आज स्कूल ड्रेस भी खूब सारा, मतलब कि 2-2-3-3 ड्रेस हो ही जाता है, और उसके बाद घर का कपड़ा भी जो एक्स्ट्रा का रहता है, इनका आदत है सबका कि कभी जैसे कपड़ा निकलता तो मशीन में डालते रहते हैं, तो वही कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो पीयूष बोल रहा था सूजी का चिल्ला के लिए, तो बनाऊंगी तो थोड़ा सा, क्या कि ज़्यादा दोपहर तक नहीं चलना चाहिए, सुबह नाश्ता नाश्ता में हो जाए उतना सा बनाऊंगी मैं। मैंने दही लिया, दही में पानी डाल दिया है, क्या कि ज़्यादा खट्टा खट्टा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी करके डाला दही में, दही को छान लिया, उसके बाद सूजी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसको भिगो के मैं रख दूँगी। जितना देर में मतलब कि मैं अपना कपड़ा धो के आऊँगी जितना देर मेरा सूजी भीगते रहेगा, क्योंकि भिगो के रखने से अच्छा सा फूल जाता है सूजी, फूलने के बाद अच्छा बनता है, और तो कोई कारण नहीं हो सकता इसका, जल्दी रहता तो बिना भिगोए भी बना लेती हूँ। और उसके बाद मेरा कपड़ा का मशीन तो लगा हुआ, बीच बीच में देखना भी पड़ता है, क्योंकि पानी निकालना करना तो रहता ही है एक बार,
इसके मतलब कि एक बार दो तीन बार पानी निकालना रहता है, एक बार नहीं, तो वही मैं यहीं आके बैठ गई हूँ। मैं अपना यहाँ सब्ज़ी तो नहीं काटना, यही प्याज हरी मिर्ची यही सब काट लूँगी यहीं बैठ के। यही मेरा कपड़ा का भी काम होते रहेगा। पीयूष लेके आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आज आपको पता है संडे है, तो संडे है, चाचा जी घर में आए हैं, तो वहीं फिर चाचा जी के साथ मस्ती में लगे रहते हैं। मतलब चाचा जी घर आ जाते हैं तो पीयूष लक्की का फिर घर में रहना मुश्किल हो जाता, वहीं रहते हैं। हाँ, डरते भी हैं पूरा चाचा जी से, कोई बात के लिए चाचा जी डांट देंगे तो पूरा डरते भी हैं। अब मैंने सब्जी मेरा काट लिया तो मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लग रहा है कि कितना बारिश होगा। हवा भी चल रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद मेरा कपड़ा हो चुका है, केवल ड्राई के लिए मुझे डालना है। आजकल मतलब गर्मी में इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं होता कि दो तीन बार डालना पड़े। अगर दो तीन बार मशीन में डालना पड़ता तो फिर बाहर से मैं खंगाल देती हूँ, एक बार करना पड़ता तो फिर मशीन में कर लेती हूँ। मतलब मशीन में पानी निकाल के दो तीन बार ऐसे में फिर मैं ड्राई में डाल दूँगी। हाँ, ड्राई दो तीन बार करके करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, क्योंकि मौसम ठीक रहता है तो मैं पूरा कपड़ा ड्राई नहीं करती हूँ। जो पतला कपड़ा रहता है उसको ऐसे भी सुखा देती हूँ, पर आज मैंने मौसम आपको दिखाया है तो मुझे सब कपड़ा को ड्राई करना, पतला मोटा सबको ड्राई करूँगी, तो दो तीन बार करना ही पड़ेगा। क्योंकि बाद में सूखेगा कि नहीं, कब बरसात हो जाए उसका भी मुझे डर लग रहा है। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। धोते धोते मैं 10-11 बज ही जाता है, ऐसा बात नहीं होता है। यहाँ कपड़ा मेरा धुल भी चुका है, दीदी भी आ गई है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी समय दीदी आती है, इसी समय मेरा कपड़ा धुलता है। रोज़ का यही नियम रहता है, हाथ से भी धोती हूँ तो मतलब कि स्नान घर में बैठे बैठे मैं अपना कपड़ा धो लेती हूँ, दीदी अपना काम करती है, तो हम लोग बात करते करते में हो जाता है। अभी भी यही चल रहा है, दीदी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, हम लोग का बात भी चालू है। दीदी आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काम से ज़्यादा तो मतलब कि उनसे अपना हाल समाचार पूछना, बातचीत करना, वही अच्छा लगता है। लगता नहीं है बाहर वाले हैं, मतलब एक दिन भी इनका छुट्टी बीच में दो तीन दिन का हो जाता है, मतलब कि बोल देती है, ऐसा बात नहीं है, तबीयत ख़राब रहता है या फिर कोई बात रहता है। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा रहता है कि जो खाना बच जाता है इनके हिस्सा का, उसी को मतलब कि रखना मुश्किल हो जाता है, तो मैं सबसे ज़्यादा तो मुझे उसी के लिए बोल देती हूँ कि अपना खाना आप मंगवा लीजिए, उसके बाद छुट्टी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कपड़ा मैंने सुखा दिया है, मौसम भी मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी, पहले कपड़ा दिखा देती हूँ। क्या कि टी शर्ट इतना ज़्यादा भरा रहता है, ये 3-4 दिन का कपड़ा है, उसके बीच में मैं धो भी देती हूँ हाथ से भी, कम से कम दोनों का 5-6 टी शर्ट होगा, पूरा 4 मेरा रस्सी बंधा हुआ, पूरा पे कपड़ा ही कपड़ा आपको नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा पीयूष लक्की का ही है। उसके बाद मैं कपड़ा सुखाने के बाद आ गई हूँ अपना नाश्ता बनाने। अभी आपको मैं सूजी दिखाऊंगी, उस समय पूरा पानी पानी था, अभी देखिए कितना टाइट हुआ है। यही फ़ायदा रहता है, सूजी फूल जाता है तब इसमें और पानी डालना पड़ेगा। उस समय मैं भिगो रही थी तो लग रहा था कि ज़्यादा पानी हो गया है, पर सबको पता है कि सूजी फूलता है। उसके बाद मैं मसाले इसमें डाल दूँगी। वैसे तो सबको बनाना आता है, मैं साधारण से हल्का हल्का मसाला डालूँगी, कुछ नहीं डाला मैंने, लाल मिर्च पाउडर डाला है, उसके बाद हल्का सा जीरा पाउडर डाला है, अब प्याज और हरी मिर्च, एक प्याज को एक हरी मिर्च, दो काटा था तो मैंने आधा डाला, पूरा नहीं डाला, क्या ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, अगर ज़रूरत लगेगा तो मैं और डाल दूँगी, मैंने आधा निकाल के रख लिया है। उसके नमक पहले से मैंने डाल के रखा था, जो मीठा सोडा डालती हैं वो इसमें नहीं डालती हूँ, मैं चीला बनाती हूँ तब नहीं डालती हूँ। हाँ, इडली बनाती हूँ तो मैं डाल देती हूँ, इसी का पकौड़ी भी बन जाता सेम यही, मतलब कि इसी से पकौड़ी बन जाता है, इसी से चीला बन जाता है, पर सुबह सुबह पकौड़ी नहीं बनाती हूँ मैं, सुबह सुबह बच्चों का फरमाइश था तो मैं सबके लिए नाश्ता में एक दो चीला सबके लिए हो जाएगा तो बना दूँगी। इतना देर तो पीयूष लक्की वहीं था, चाचा जी के पास अभी आया है तो मैं बना देती हूँ। यहाँ सबका नाश्ता हो चुका है, उसके बाद मेरा प्लेट लगा है, आप सब भी आइए खा लीजिए। हालांकि चिल्ला ये सब खाना मेरा उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ बाहर का, मतलब समोसा कचौरी ये सब तो छूट ही चुका है मेरा, घर में जो बनाती हूँ वो खा लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अब तो मतलब बूंदा बूंदी भी आना शुरू हो गया है, कपड़ा भी मेरा सूखा नहीं है, हो गया 1 घंटा मुझे कपड़ा डाले हुए, पर हवा भी उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, धूप भी नहीं, तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सूखा है। तो अब मैं सोच रही हूँ अंदर डालूँ कि बाहर ही छोड़ दूँ, बस यही टेंशन लगा हुआ है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी 1 बज रहा है, अभी मेरा सब काम कंप्लीट है, खाना भी मैंने बना दिया, दाल चावल सब चीज़ बन चुका है, नाश्ता तो हो चुका था, थोड़ा जल्दी हुआ था, मैंने सोचा कि सबका होने के बाद 11:30 बजे मैंने भी खा लिया था, कि गरम गरम चिल्ला था तो सबका खाने के बाद मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं खाना बनाने में लगी थी, नाश्ता करने के लगभग आधा घंटा बाद ही लगी होगी, 1 घंटा लगा है, 1 घंटा लगा भी नहीं हुआ, मतलब कि कभी कपड़ा को अंदर करना, कभी बाहर करना, उलट उलट करना, मौसम ना ही तो बरसात हो रहा है ना ही धूप हो रहा है, बस लग रहा है कि कब बरसात हो जाएगा, ये मौसम है। अब मेरा कपड़ा सूख गया, मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से अंदर कर दूँ,
सूखा नहीं है, बादल पूरा घेरा हुआ है, कब बरसात हो जाए कोई ये ठिकाना नहीं है। अभी मेरा काम तो कंप्लीट है पर मैं जाके लेट नहीं सकती, क्या कपड़ों का मुझे देखना होगा कब बरसात आके गीला कर जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं कपड़ा सूख जाएगा उसके बाद ही जाके थोड़ी देर लेटूंगी। हालांकि समय तक मैं थक जाती हूँ पूरा, सुबह से लेकर समय तक पूरा थक के चूर हो जाती हूँ, लगता है कि कब जाके मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ। नाश्ता मेरा जल्दी हो चुका था इसलिए मैंने ग्रीन टी भी बना के रख दिया है, अभी जाके पीऊँगी, हो गया बहुत देर। आज भी उसके सर संडे है तो दिन में आ गए हैं, क्या संडे तो बच्चे घर में रहते हैं, बीच में सर का छुट्टी हो चुका था 2-3 दिन का, तो फिर आ जाए हैं। अभी हो गया था घंटा तो पीयूष लगे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए शांति छाए हुए, मम्मी अपना भागवत देखती इस समय, तो मम्मी अपना भागवत देख रही है, आवाज़ भी आ रहा होगा इसमें। तो मैं यहीं खड़ी हुई थी, सोचा थोड़ी सी देर आपसे बात कर लेती हूँ, अब फिर जाके थोड़ी देर मैं अपना आराम करूँगी। ठीक है,